अरे यार भरोसा कैसे कर लूं, आप सुधा हिंदी में समझ लो। कितने दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कॉल की दूरी पे और गाजीपुर बॉर्डर से, सुनो वहां से कितने दिन में कॉल आएगा आप बता दो। अब तक कॉल नहीं आया है, टीवी के माध्यम से ये बात आई है हम तक, आप लोगों ने बताई है। तो ये मन की बातें टीवी पे थी, कभी किसान की भी कुछ सुनी है उन्होंने? कभी किसान की सुनी है? वो तो अब शायद ये दो एक उपचुनाव हुए हैं उसमें कुछ सुना सुन लिया है हल्का हल्का। भैया संसद में वापस होगा ना सर, या उनके बोलने से हो जाएगा? देखो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है कि वो क्यों कहा है उन्होंने अभी ये बात, और अभी कुछ दिन पहले ही क्यों कहा है। संसद सत्र चालू होने वाला है उसमें वापस ले आते, आज दिन अच्छा था ना। क्या गुरु पर्व है आज, गुरु पूर्णिमा है आज। कै बजे बोला था उन्होंने? कब? सुबह शाम को? सुबह शाम को भी चर्चा हुई थी, 8 बजे की पीएम है क्या? शाम को भी चर्चा हुई थी इस पर, क्योंकि चर्चाएं शाम से शुरू हो गई थी 8 बजे से। तो अभी भरोसा करना बहुत मुश्किल। पर आज उन्होंने कहा ना कि हम ना समझाने में नाकाम रहे ना किसानों, तो फोन ही नहीं करा ना आज तक, तो समझाते कैसे? अलग अलग माध्यम से समझा रहे थे। कौन सा माध्यम था जी? टीवी का माध्यम हो गया, रेडियो का माध्यम हो गया, किसान नेता आपके पास आ रहे थे, बीजेपी नेता आपके पास आ रहे थे। भाई देखो ये ट्रांजिस्टर पे तो वही मन की बात है, वो अपनी बताते रहते हैं। समझता आदमी तब है जब आप उसकी भी सुनो और अपनी कहो। जैसे बड़े बड़े संत नहीं प्रवचन देते हैं और भाई साहब एक बात भी, एक कोई खड़ा हो जाए और उसे बात समझ में ना आए या उनकी आलोचना करे, अरे इस बुद्धि जो मूर्ख को उठाओ, इसकी चोटी पकड़ के बाहर फेंक दो, पंडाल से बाहर कर दो। नहीं अभी तो हम नहीं कह सकते कि पूर्णतः हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हमें यहीं बैठना है, क्योंकि अभी हमारे लिए ऐसा कोई संदेश आया नहीं है। और अब ये तो संसद सत्र चलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी वापस लेंगे और क्या करते किसानों के बारे में, वो हमारे नेतागण भी बैठेंगे बात करेंगे इस विषय पे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई पवित्र तो है इसमें, उन्होंने कौन सी नई बात कह दी यार? गुरु पूर्णिमा पवित्र दिन है, तो इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने मतलब ये बात भी हमें वो ही बताएंगे कि आज पवित्र दिन है। पवित्र ये तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पता है, आज पवित्र दिन है। पवित्र मन से हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी, पवित्र मन से कानून लाए, पवित्र मन से समझाने की कोशिश की। और अगर इतना ही पवित्र था तो मतलब हम लोग अपवित्र थे उनके हिसाब से। कुछ लोग है जो समझ नहीं पाए, वो कहना चाहते। अच्छा वो जो आंदोलन जीवी जो उन्होंने बताए थे वो नहीं समझ पाए, उनसे बताना और कभी इसे उधर भी ले जाना और वहाँ उन्हें बताना, क्योंकि वो मन की बात बोलते हैं कि हम तो शुरू से समझ गए थे, जो तुम्हारे साथ जो तुम 4G हो ना, 2G तुम, अमित और मोदी और अड़ानी और अड़वानी अम्बानी, तो ये 4G नहीं समझ पाए बात को, उन 2G को समझा लो 2G को। आगे क्या होगा? आगे अभी तो बस यही है, गहमा गहमी रहेगी और हम लोग बैठेंगे, निर्णय हमारे नेतागण करेंगे, टिकैत साहब क्योंकि हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, यहाँ टिकैत साहब का जो निर्णय होगा वही है। बाकी हम तो टिकैत साहब से यही कहेंगे भैया वापसी, घर वापसी। वो तो यार सीधी बात थी, आज हम कहें क्या? टिकैत जी ने तभी कह दिया इतने दिन हो गए घर नहीं गए, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। आंदोलन का डर है या ये चुनाव होगा? यार बोल दिया ना, हो तो नहीं गए ना, तो बोला तो कर भी देंगे, हो जाए। मतलब सीधा प्रधानमंत्री ने भेजा के हड़का के बोल दो कि वापस हो गया। भाई हमारी तो दवा यही होती है, आम आदमी की दवा क्या है? वोट की दवा है, वो हम दे देते हैं खुराक। अब दोगे क्या वोट? देखो अब ये तो संसद चालू होने के बाद वो क्या करते, जिस हालत में अभी है तो अभी तो दवाई की पुड़िया की उन्हें सख्त जरूरत है और हम दे रहे हैं यहाँ बैठ के। हम नहीं, किसने बोला अभी घर नहीं जाओगे? यार दो गई टेंट, मतलब हम खोल दे टेंट। भाई तुम एक काम करो, उनसे कहो जल्दी संसद सत्र बुला लें, कल ही बुला लें, वापस कर लें, परसों वापसी जी कर लेंगे हम लोग, हमें क्या है यार। ये देखो विश्वास खूब है, मैं उनसे कुछ ये कहेंगे भाई मेरे प्रधानमंत्री जी है, हमें उनका विश्वास है, लेकिन अंधा तो तब समझे जब भरकोरिया भेंट ले। किसी अंधे आदमी से कहो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार आया है तो वो जल्दी नहीं मानेगा, वो तब मानेगा जब उसे कोरिया भर के भेंट लिए। हम तभी समझ पाए हैं जो यहाँ बैठे हैं, जब संसद में वापस हो जाएगा ये कानून। भाई ये हमें क्या क्या देते ये भी तो बताएंगे ना। अब तो आपकी बात है, सब कुछ मान ले, सब कुछ दे दिया तो दोगे वोट? हाँ हाँ, तो कोई दुश्मन थोड़े देशद्रोही, मतलब हम ये देशद्रोही, यही तो हमें मानते।
हम तो इन्हें इसी देश का वासी मानते हैं। सर आप तो आपकी 2022 में आय दोगुना हो जाएगी, मोदी सरकार कहती है। भाई तुम कर लियो वो, तुम ले लियो, अभी जितनी हम पे हमें उतनी बनी रहन दो। गन्ने में पैसे बढ़ गए। कितने? 2500 प्रति क्विंटल। अच्छा 3500 के टोटल, तो फायदा हो गया बहुत सारा। 25 पैसे। डीएपी पे कितना रेट बढ़ गया? यूरिया कितनी बढ़ गई? डीजल किस भाव हो गया? आए भी तो बढ़िया लोग होंगे। अरे भाई बहुत सारी आए, तुम ले लो। डीजल 100 रुपए पहुंच रहा है, आए बता रहे हो, आए वहां से ऐसे ही जले पड़े ऊपर से, आए बता रहे हमारी बढ़ गई। ये सारा मास्टर स्ट्रोक इलेक्शन के लिए है जी। अब आप वोट देंगे जी? अभी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी तो पहले सुन लो, अभी बिल्कुल नहीं। संसद सत्र चलने दो, वहाँ क्या करते हैं किसानों के लिए, एमएसपी पे कानून लाते हैं। अभी तो आप गांव में घुसने दे रहे थे बिजली अपॉइंटमेंट, वो गांव में जाते कब है? बीजेपी नेताओं को। हाँ नेताओं को नहीं घुसने देते हम, कहीं जिन्होंने बोला उनकी बात कर रहे, वो तो मन की बात सुनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 29 तारीख को संविधान की तरह हम कानून वापस लेंगे संविधान के दायरे में आकर। इस बात को कहने में उन्हें 1.5 साल लग गई, ये तो बहुत पहले कह देते। तो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप समझ नहीं पा रहे थे। आज तक तो यहाँ आए नहीं बॉर्डर पे समझाने, किसे समझा रहे थे वहाँ? संसद में समझा रहे थे वो। किसे? जहाँ कानून पास हो। हाँ भैया तू बड़ा ज्ञानी पुरुष आया, कि संसद में नहीं बोला उन्होंने? संसद में ही तो विपक्ष बोलते हैं ना, संसद में जो बोला है विपक्ष कमजोर है इसीलिए तो वहाँ बोल के पास करा लेते अंधेरे में। हर अपनी महासभा में बोला उन्होंने, हर अपनी रैली में बोला। क्या कानून किसके बड़े फायदे? एक तुम बता दो। वो तो आज भी कह रहे हम छोटे किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। हाँ उसकी 1.5-2 बीघा उसे लेना चाहते थे, वो तो करना ही चाहते थे, उसे इस दर्द से किसानी का जो ठप्पा लगा उसे मुक्त करना चाहते थे। उसकी जो 1.5-2 बीघा थी वो और उन्हीं को अपने जो 2G है उनके साथ उनको दे देते, अगर किसान का दर्द खत्म। MSP पे कानून नहीं बना तो नहीं जाओगे वोट खाली कर। देखो मैं ये इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इस तरह का निर्णय ले लूँ और आपसे कह दूँ कि हम उसके बाद भी नहीं जाएंगे अगर MSP पे, ये हमारे नेता बताएंगे। हमने आपसे बीच में बार बार बोल रहा हूँ कि मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, यहाँ टिकैत जी निर्णय करेंगे कि हमें वापस जाना या यहीं रहना। सर ये हम नहीं करेंगे। ये किसानों की जीत है या भाजपा की हार है चुनाव को लेकर, डर है क्या बीजेपी को इस तरह के यार वो कहना मेरे मैं उचित नहीं समझता हूँ कि ना। देखो आपस की बात है, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, इसमें ना किसी की जीत है ना हार है। ठीक है थोड़ी देर में समझे, समझ गए, और वो भी दबाव में होंगे। हम तो समझते वो जो उनके दो मित्र हैं खास मित्र उनके दबाव में होंगे और मजबूर होके अब समझ गए तो हमारी कोई खास दुश्मनी भी नहीं। चलिए ठीक, आप ये नहीं कहो कोई हमारी विशेष दुश्मनी नहीं है उनसे, और ठीक है। बाकी हाँ दुख बड़ा हमेशा बना रहेगा क्योंकि मेरे 750 गए, और जिसके 750 जाते हैं उनका दुख होता है।